हाई गैस्ट्राइटिस यानी गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन है, एंड थर्ड इनडाइजेशन खाना नहीं पच रहा है, खाना अच्छी तरह से नहीं पच रहा है, यानी हम कुछ भी स्पाइसी फूड यानी तीखा तेल मसाला ऑयली फैटी चीज़ें हम खाते हैं, सीधी बात है हमारी बॉडी अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तों, गैस बनेगा। हाई गैस्ट्राइटिस की समस्या उन्हीं लोगों को होती है जो बाहर का स्पाइसी ऑयली देन जंक फूड एंड फैटी चीज़ें खाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, अगर डेंटू आप घरेलू नुस्खे यूज़ कर चुके हैं, डेंटू आपका गैस जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर भी आपको हाई गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या बनी हुई है, गैस हो रहा है बट गैस पास हो जा रहा है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट हाँ अगर गैस बन रहा हो, पेट फूगा फूगा लग रहा हो, उस केसेस में ब्लोटिंग एक्शन हो सकते हैं, पेट में मरोड़ होके दर्द हो सकता है। तो उस केसेस में क्या करें, आपने ऑलरेडी जैसा मैंने बताया घरेलू नुस्खा यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद भी कम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डीएसआर में कंटेंट होता है डोम पेरिडोन एंड एसआर, दैट इज सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब होता है बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। ये डीएसआर की दवाइयाँ होती है दोस्तों, जिससे हमें गैस जो हाई गैस्ट्राइटिस हो उससे आराम पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं यही ब्रांड का आपको लेना है, कोई भी आप डीएसआर कंटेंट ले सकते हैं, मार्केट में या केमिस्ट शॉप पे आपको अवेलेबल है, आप ले लीजिए, उसको खा लीजिए। इसको खाने का भी तरीका होता है, खाने के हाफ एन आवर पहले यानी बिफोर फूड, मॉर्निंग इवनिंग बिफोर फूड यानी आधे घंटे पहले इसको लिया जाता है। कभी भी आप कोई भी गैस की दवाई ले रहे हैं, क्या गैस के लिए दवाई ले रहे हैं, दैट इज जैसे मैंने बताया डीएसआर कंटेंट की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसको खाने के आधे घंटे पहले लीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ लोग दोस्तों गलतियां करते हैं, खाने के बाद गैस की दवाइयां लेते हैं तो ज़्यादा काम नहीं करती, फिर डॉक्टर्स को या केमिस्ट को ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर साहब या केमिस्ट वाले की दवाइयां काम नहीं कर रही है। लेने का तरीका होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे मैंने बताया खाने के आधे घंटे पहले आपको लेना है, देन उसके बाद आपको लाइटली कुछ हल्का जूस वगैरह या फिर दाल राइस ऐसे कुछ लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में या फिर अगले दिन गैस ना बने, और ऑलरेडी आप गैस की दवाइयां ले रहे हैं तो इससे गैस बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका हैबिट मत बनाइएगा, इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, आदत पड़ेगी तो आपको इसके बगैर रिलीफ ही नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ये पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप खाने पीने में जैसे मैंने बताया अवॉइड स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड करो, डेफिनेटली आपको गैस नहीं बनेगा। इस वीडियो से कुछ भी आपको शिकायत है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं क्या दिक्कत है, क्या शिकायत करनी है, डेफिनेटली उसका आंसर दिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।